हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हिंदुजा ग्लोबल के बारे में। ये कंपनी देखो मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से लिया हुआ है, तो ये कंपनी कैसी है, इसका बिजनेस कैसा है, ये हम जानने वाले हैं ये वीडियो के अंदर। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो यहाँ पर ये कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस देती है, या फिर आप कह सकते हो कि ये स्ट्रैटेजिक कंसल्टेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी सिस्टम इंटीग्रेशन, इंटेलिजेंट प्रोसेस और एक्सपर्ट ऑन डिमांड, ये सारे ये चीज़ें ये कंपनी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो तो इनके डिलीवरी सेंटर्स या डेटा सेंटर्स होते हैं, या बीपीएम या एचआरओ और एफएनएम क्लाइंट्स इनके हैं। तो ये बिजनेस के लिए या कंपनीज के लिए एक डेटा सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, या फिर यहाँ पर कह सकते हो कि जैसे देखो इनके 8 कंट्रीज़ के अंदर ये डिलीवरी सेंटर से इनके 8 कंट्रीज़ के अंदर, और ये इनकी सर्विसेज है बीपीएम और ये सारी चीज़ें। ठीक है, और क्लाइंट रिलेशनशिप इनके 40% है, और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स 55+ है। और यहाँ पर ये देख सकते हो एनुअल वॉइस मिनट्स, ठीक है, तो ये वॉइस सर्विस की भी है इनकी, एनुअल चैट सेशंस। तो जिस तरीके से जो कस्टमर्स के किसी कंपनी के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होते हैं या क्वेरीज होते हैं, या चैट के रिलेटेड उनको आंसर्स चाहिए होते हैं, तो इस तरीके की कंपनीज होती है जो आंसर करने के लिए होती है। ठीक है, या कॉल के लिए, कॉलिंग में या कॉलिंग के क्वेश्चन पे आंसर करने के लिए इन जैसी कंपनीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपनी करती है, जैसे कि मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये भी बताया हुआ है, और साथ में देख सकते हो इनके ये कॉन्टैक्ट सेंटर होते हैं, जो आप कॉल सेंटर भी कह सकते हो। तो ये इस तरीके, जैसे कॉल सेंटर है, डिजिटल एंड चैट सपोर्ट है, तो इस तरीके का इनका बिजनेस है। और यहाँ पर देखेंगे तो डेटा एंड इंटरेक्शन और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें ये कंपनी प्रोवाइड करती है। टेक सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर, सिस्टम इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें कंपनी करती है। ठीक है, तो ये है हिंदुजा ग्लोबल कंपनी का बिजनेस, और यहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कंपनी क्या करती है, तो बीपीएम सर्विस होती है, वॉइस और ये नॉन वॉइस के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो देखो ये 959 के प्राइस पे अभी ये शेयर मिल रहा है अभी, और ये डाउन पे है फ़िलहाल तो, और 1368 का इसका हाई रह चुका है। 4400 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, और अभी यहाँ पर देखेंगे बुक वैल्यू ज़्यादा है करंट प्राइस से। ठीक है, और स्टॉक का पी मीडियम है, आरओई काफ़ी कम है, रिटर्न्स काफ़ी कम जनरेट कर रही है कंपनी, डिविडेंड लगभग 1.5% देती है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है कंपनी का। ठीक है, और अगर हम देखते हैं तो एक साल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट ये स्टॉक में देखने मिला है। ठीक है, और 3 साल की बात करेंगे तो देखो 3 साल में ये 543 के भाव पे ये स्टॉक मिल रहा था, और 2021 के टाइम पे, अभी देखो ये 543 से लगभग 2-3 गुना ये स्टॉक का भाव बढ़ा, उसके बाद ये थोड़ा गिरावट दिखाने लगा। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी वही हाल है, 288 के भाव पे ये स्टॉक हुआ करता था, 250 रुपये का भी भाव था, फिर उसके बाद ये स्टॉक देखो काफ़ी नीचे फिर जाने लगा। 10 साल की बात करते हैं तो देखो 10 साल में 300 रुपये का ये स्टॉक हुआ करता था, 300 रुपये से ये स्टॉक काफ़ी नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आपको देखने मिला। ठीक है, और मैक्स भी वही है इसका, 2007 से देखो लगभग 100-150 रुपये का एक टाइम पे स्टॉक हुआ करता था, 50 रुपये से स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। ठीक है, और अगर हम देखते हैं तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें, तो इसमें देखो आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएगी कि ये कंपनी का बुक वैल्यू अच्छा है। ठीक है, बुक वैल्यू ज़्यादा है स्टॉक प्राइस के हिसाब से, और ये कंपनी के रिटर्न्स गुड रिटर्न बता रहे हैं, आरओई काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है, 3 साल के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से,
और अगर हम देखते हैं ये कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट कर रही है और डेटर्स डेज भी इम्प्रूव हो रहे हैं इसके। और नेगेटिव चीज़ें की बात करेंगे तो देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कंपनी पर लोन ज़्यादा है और पुअर सेल्स ग्रोथ भी नज़र आ रहा है लास्ट 5 साल के हिसाब से, और टैक्स रेट भी ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर, और ये और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम भी नज़र आ रहा है, तो इस वजह से भी कंपनी के रिज़ल्ट जो होते हैं वो काफ़ी ख़राब होते हैं। और वर्किंग कैपिटल अगर देखते हैं तो वर्किंग कैपिटल में आपको ये इंक्रीज होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ता जा रहा है। और अगर हम देखते हैं तो पीयर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम ही ऊपर है, उसके बाद ये ओरेकल है, फिर टाटा है, फिर टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, KPIT है, PB है, फिर कॉन्फोर, फिर हिंदुजा है, ठीक है, तो सबसे नीचे है इसका सेक्टर के अंदर। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो 658 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, अभी 1180 करोड़ का सेल कर रही है, 75 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, अभी 18 करोड़। तो देखो ये भी चीज़ होती है कंपनी के लॉस करने में या कंपनी के प्रॉफिट्स गिरने में या कंपनी का शेयर का भाव गिरने में, तो कंटिन्यूसली देखो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है इतने क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस भी देखते हैं तो आपको नज़र आएगा देखो 2012 में 1550 करोड़ से कंपनी का सेल 4500 करोड़ तक पहुँचा है, और 106 करोड़ से प्रॉफिट 334 करोड़ पहुँचा है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट कभी ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये अदर इनकम का ही कमाल है, जब ये अदर इनकम हट जाएगा तो शायद प्रॉफिट माइनस में चला जाएगा या लॉस दिखेगा, तो इसी वजह से इसको नेगेटिव में गिना जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं स्टॉक का CAGR तो देखो फिर भी प्रॉफिट दे रहा है, 10 साल से इन्वेस्टर को 13% का प्रॉफिट दे रहा है, 5 साल से 24% दे रहा है, 3 साल से 19%, 1 साल में 27% नेगेटिव रिटर्न है। और बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा 7200 से 200 करोड़ का कंपनी का रिजर्व है, और बोरोइंग देखते हैं तो बोरोइंग आपको नज़र आएगा 1672 करोड़, तो ये लोन भी ज़्यादा ही नज़र आ रहा है फिलहाल, और लोन भी बढ़ते भी जा रहा है, देख सकते हो मार्च के बाद सितंबर में, तो ये चीज़ ख़राब होती है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग में आपको नज़र आएगा प्रमोटर्स, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादा है, सबसे अच्छी बात है। फॉरेन के इन्वेस्टर का भी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा है, 12% से भी ज़्यादा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने काफ़ी कम पैसा लगाया है और पब्लिक ने पैसा यहाँ पर 19% लगाया हुआ है, तो फिलहाल देखो इन्वेस्टमेंट सभी ने किया हुआ है। और स्टॉक देखो जो बिजनेस है कंपनी का बिजनेस अच्छा ही है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करती है कंपनी सेल कितना कर रही है, अर्निंग कितना कर रही है, प्रॉफिट कितना बचा ले रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो फिलहाल बड़े इन्वेस्टर तो इसमें है और प्रमोटर्स की भी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी बात है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक अच्छा ही है, लेकिन मैंने इसको ट्रेडिंग पर्पस से लिया है, तो जो भी अपडेट आएगा फ्यूचर में वो मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहो क्योंकि वहाँ पर मैं सबसे पहले अपडेट दे देता हूँ, बाई कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो वहाँ पर भी अपडेट दे दूंगा। और चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी अपडेट वहाँ पर भी चैनल पर आ जाएगा जैसे ही टेलीग्राम के बाद, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ, कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।